कल महायुति के नेता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि अकोला सीट पर बाड़ा साहब आम्बेडकर की सीट है, वहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका क्या कारण है? दूसरी तरफ बाड़ा साहब आम्बेडकर महाविकास आघाड़ी में जाना चाहते हैं और मोदी को, हुकुमशाही को वो हराना चाहते हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया आघाड़ी में जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ रामदास आठवले का यह कहना किस बात का संकेत दे रहा है, ये आगे देखेंगे। वैसे तो बाड़ा साहब आम्बेडकर ने महाविकास आघाड़ी को 12 सीट की मांग की है। अगर ये पॉसिबल होता है तो बाड़ा साहब आम्बेडकर इंडिया आघाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस ने उसके निमंत्रण पर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, ना उसको मीटिंग पे बुलाया है। बाड़ा साहब आम्बेडकर हमेशा वंचितों की आवाज़ लेकर वंचितों का राजकारण कर रहे हैं। वैसे में बाड़ा साहब आम्बेडकर एक कनखर नेता है, जो कि बाबा साहब आम्बेडकर के पोते हैं और वो जानते हैं कि महाराष्ट्र के राजकारण में क्या चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।